गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M बिगनर टू मास्टर में गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन माय डियर फ्रेंड्स। सो एज आई प्रॉमिस यू ऑन दिस चैनल डेली आई विल कम विथ सीरीज ऑफ क्रिस्टल क्लियर। हम रोज मंडे टू सैटरडे सीरीज पे करने वाले हैं क्लासेस। ओके, सो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसे कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, myself अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स And my dear friends, I have mentored more than 10 lakh students, both offline and in online classes for UPSC civil services examination and other UPSC exams. I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. And guys, you know that the more you interact, the more you learn. My dear students, क्या आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है? अजीत तिवारी सर @ जनरल स्टडीज t.me/अजीत लाइव t.me/अजीत लाइव। Fine, this is the link of my telegram channel. Very good evening, Nuzat. How are you? Ravina, Radha. Guys, for any queries regarding your Unacademy subscription, आप मुझे इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हो 9873987698। और अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे टाइम ले लोगे। आई विल गिव यू टाइम जब मेरी क्लासेस नहीं होती हैं, एंड देन वी विल हैव वन टू वन डिस्कशन रिगार्डिंग योर क्वेरीज, रिगार्डिंग योर कन्फ्यूजन, रिगार्डिंग योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग एनी। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, झमाझम चैनल। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया गाइस तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। माई डियर फ्रेंड्स, दिस चैनल विल हेल्प यू इन योर जर्नी फ्रॉम अ बिगनर टू अ मास्टर। बिगनर से मास्टर तक की जर्नी में ये चैनल आपको गाइस हेल्प करने वाला है। फाइन, अगर आपने अभी तक अगर आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है माय स्टूडेंट्स, तो आप इसे जरूर कर लें। बिकॉज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे यू कैन एंजॉय डेली फ्री स्पेशल क्लासेस, यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री। माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, www.unacademy.com पे जाएं या लर्निंग ऐप में आप CSE कैटेगरी, UPSC CSE कैटेगरी में जाएं। बहुत ध्यान सुनिएगा आप। फाइन, सर्च बार में पुट करें अजीत तिवारी AJIT, ठीक। उसके बाद मेरा प्रोफाइल ओपन होगा, आप उसे फॉलो कर लें ताकि जितनी क्लासेस आपको मिलेंगी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेस, आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। I have taken number of lectures, awesome quality lectures in these free special classes. Fine, my dear students, awesome test series Aat Pariksha All India free test series is going on. Aap uski sessions ko jarur kare. Tomorrow let's meet at 11 PM. Kal aap se milte hain in free special classes Aat Pariksha All India free test series at 11 PM. For one stop solution, go for Unacademy subscription. But obvious guys, plus is very awesome. आप इसे जब ज्वाइन करोगे, you will come to know कि how it is providing you at one platform, one stage, India's best educators, 90 plus top educators, आप सबकी क्लासेस कर सकते हो। Daily live classes, structured courses, live test and quizzes, अनलिमिटेड एसेस, आप एक क्लासेस को कितनी बार देख सकते हो आप,
यू कैन डाउनलोड ऑल पीपीटीज पीडीएफ्स, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, फाइन। एंड गाइस मेरे साथ साथ 90 प्लस एजुकेटर्स, कैसे कैसे क्लास ज्वाइन करनी है, किन की करनी है, आई एम देयर टू गाइड यू, डोंट वरी एट ऑल फॉर दैट, फाइन। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर है, सोसाइटी सोशल इश्यूज, ऐसे आंसर राइटिंग कोर्सेज, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीसेट पेपर, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर वन ईयर फी इज 44,000, जिसमें 54% का ऑफ चल रहा है। और जैसे आपने यूज किया कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 39,600, वेरी ऑसम। अगर आपको एग्जाम 2021 में देना है, 2022 में देना है गाइस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 21 और 22, गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, फी इज 64,000, 67% का ऑफ चल रहा है गाइस। और जब वैसे आपने बॉक्स में यूज करा अजीत लाइव, ऑसम डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 57,600। माय स्टूडेंट्स, 57,600 के फी को आप नो कॉस्ट ईएमआई में जमा कर सकते हो। ऑप्शंस आर अवेलेबल, ईएमआई ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल ऑन क्रेडिट कार्ड्स। आप में से गाइस, इफ एनीवन इज ऑन प्लस, यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, हाउ यू गाइस आर एंजॉइंग, हाउ यू गाइस आर एंजॉइंग, फाइन। But obvious, my dear friends, see how economical it is. For 2 year, it is only at the rate of ₹79 per day. While using code Ajit Live, your code of success. और मेरे प्यारे दोस्तों, online की जो problem है, mentoring की, I have solved that problem of mentoring. Question is how? जैसे आप मेरा code use करते हो guys, I will be your personal mentor. आपके मेल पे इनवॉइस में आता है कोड अप्लाइड अजीत लाइव, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, I will be your personal mentor. I will guide you one to one. I will deal your queries. आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, आप मुझसे बात कर सकते हो गाइज। Now Unacademy has launched Unacademy's iconic subscription. क्वेश्चन इज, क्या है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फाइन। फॉर यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी ने एक नया कंसेप्ट आइकॉनिक का लॉन्च किया गाइस। आइकॉनिक इज समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग बिग, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग दैट विल गिव यू अ फील ऑफ ऑफलाइन। क्वेश्चन इज हाउ। दोनों में लाइव क्लासेस हैं, दोनों में टेस्ट सीरीज है, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, दोनों में शेड्यूल इज हाईली स्ट्रक्चर्ड। इन प्लस आप मेरे कोड यूज करोगे, आई विल बी योर पर्सनल कोच। आइकॉनिक में 1 पर्सन विल बी एक्स्ट्रा, डेली मेंस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस इन प्लस, इन आइकॉनिक स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक। सो गाइस, गो फॉर आइकॉनिक इफ यू कैन अफोर्ड, ठीक। फी फॉर 2 ईयर इज 99,000। While using code Ajit Live, discount of 10%, 89,100 for 2 year. Fine, आप इसे no cost EMI पे कर सकते हो guys. For 1 year, fee is 64,000. जैसे आपने code of success apply किया, it becomes 57,600 for 1 year. Again, you can apply with the help of credit cards. आप इसे कर सकते हो, फाइन। गाइस, ऑलरेडी प्लस पे ऑसम कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज अवेलेबल, ऑसम कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इज अवेलेबल, कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, वन स्टॉप, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, नंबर ऑफ गुड बुक्स, जीएमएस, गागर में सागर। इफ यू आर बिगिनर, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ तो क्लास समझ में आएगी। आई हैव टेकन फ्रॉम बेसिक्स अप टू एडवांस, फाइन।
गाइस ऑसम कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इज गोइंग ऑन प्लस फाइन। 10 जुलाई को बैच स्टार्ट किया था, 14 अगस्त को बैच खत्म होगा। 6:30 बाइलिंगुअल बैच ऑसम वन स्टॉप सॉल्यूशन वेरी ऑसम बैच फाइन। अनुष्का वेलकम, आप न्यू हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स वेरी गुड अनाउंसमेंट, आप देखोगे हाउ व्हाई आई एम सेइंग टू यू गाइस टू गो फॉर प्लस। आखिर ऐसा क्या ऑफर आपको मिल रहा है, हैव अ लुक। 24 अगस्त, लिसन वेरी केयरफुली, 24 अगस्त से माय डियर फ्रेंड्स ऑसम वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच इज कमिंग फॉर इंडियन ज्योग्राफी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। और क्या क्या फ्री क्लासेस आ रही है उसके लिए, अगर आपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है, गो फॉर इट। सर्च बार में जाएं, अजीत तिवारी सर @journalstudies सर्च करें, या शॉर्ट लिंक t.me/ajeetlive। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सेशन आपके मिस हो। माय डियर फ्रेंड्स आई एम कमिंग विथ ऑसम बैच, ऑसम बैच मैं लेकर आ रहा हूं ऑन बायोलॉजी ऑन लाइफ साइंसेस कमिंग सोन। इन अक्टूबर आई एम कमिंग विथ वन स्टॉप ज्योग्राफी ऑप्शनल, अ बिग धमाका, अ बिग बैंग। सो लॉट ऑफ कोर्सेज आई एम ऑफरिंग टू यू गाइस, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं माय डियर फ्रेंड्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट टू डू, यूज कोड अजीत लाइव योर कोड ऑफ सक्सेस, यूज कोड अजीत लाइव योर कोड ऑफ सक्सेस। कोई क्वेरी कोई डाउट, ठीक, कोई क्वेरी कोई डाउट, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9873987698। आखिर मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूं गो फॉर प्लस। व्हेन यू विल ज्वाइन यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस, जितने लोग फ्रेशर्स हैं लिसन केयरफुली। टुडे टाइम इज चेंज, बहुत से लोगों को मालूम नहीं चल पाया गाइस। अब क्लासेस मंडे टू सैटरडे रोज होंगी, डेली क्लासेस विल बी मंडे टू सैटरडे। फ्रॉम टुमारो टाइमिंग विल बी 8:30 PM फिक्स, 8:30 to 9:30 फ्रॉम टुमारो टाइमिंग विल बी फिक्स फाइन। 9:30 onwards to 10:30 PM again we will meet at Unacademy's other channel, let's crack UPSC CSE। तो guys कल से रोज 8:30 आपसे यही मुलाकात होगी। fix block your time and date, Monday to Saturday, Sunday will be weekly off and we will go for Jhamajam series। Tell all your friends, all your colleagues to subscribe our this lovely channel B2M. 9:30 to 10:30 daily, we will see you guys on main channel, that is Let's Crack UPSC CSE, for some more interesting, more innovative concepts. Okay guys, let's have a look. So main aapse revise ki baatein aage karunga guys. You know that this crystal clear series is going to help you a lot. We have covered class 6 NCERT, अगर आप में से किसी ने भी class 6 NCERT guys नहीं किया है, all chapters are available on this channel. In 7, अगर आप first हो, new हो, go through all this chapter, chapter 1 to chapter 7, fine. Today we are going to deal with chapter 8, हम इसे deal करने वाले guys. If you are new, if you are a fresher to this channel, अगर आप पहली बार मेरी class attend कर रहे हो guys, you know that it is going to be very big, going to be more innovative, more interesting, more interactive. You guys know it. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं human environment interaction. Interaction is very important part of your life. आप जानते हो, fine? It is very important part. In this chapter, we are going to discuss about the tropical and subtropical region. We are going to discuss about the Amazon basin, Amazon river having largest volume of water. My dear friends,
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ. हम बात करेंगे आपसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, हम बात करेंगे आपसे वाराणसी की, काशी की, फाइन, अलोंग रिवर गंगा. हम बात करेंगे गंगा और यमुना हॉली रिवर्स की, माय फ्रेंड्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट, इंटरेक्ट अ लॉट. वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे एंड फॉर एनी क्वेरीज गाइस, ठीक, जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सत्यम आप चेक करिएगा प्लेलिस्ट, अगर नहीं होगा तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल कन्वे योर मैसेज टू द टीम. मैं आपकी मैसेज को टीम पे कन्वे कर दूंगा. चंदन, दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क क्वेश्चन, फॉर एनी क्वेरीज आपके पास व्हाट्सएप नंबर है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, सी, दिस इज अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ. अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ, इसकी बात मैं आपसे करने वाला हूं. वेरी लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेंस ट्रीज, क्लोज कैनोपी, इसे आप बोलते हो लंग्स ऑफ अर्थ. मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. Guys, I will help you at all level. Don't worry at all. मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा, उसकी चिंता ना करें आप. ओके, सो जस्ट ए मिनट. सो गाइज, बट ऑलवेज बायोम टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हो. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ग्रेट डिटेल, हम इसकी बात करने वाले हैं आपसे. ओके, समटाइम्स टेक्नोलॉजी कॉजेस इशू, जैसे कि राइट नाउ ये पीपीटीज आगे मूव नहीं कर रही है. लेट मी चेक, जस्ट मिनट गाइस. जस्ट ए मिनट, आप बने रहें पेशेंस के साथ. दिस इज द समटाइम्स ड्रॉबैक ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके ओके, सो गाइज जस्ट हैव अ लुक, जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग ऑन दैट. सो समटाइम्स टेक्नोलॉजी कॉजेस इशू, नाउ इट्स फाइन, एंड लेट्स स्टार्ट विद द ऑसम सेशन. आइए सेशन को झमाझम स्टार्ट करते हैं गाइज. ओके, सो मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट लाइफ इन अमेजन बेसिन, फाइन, अबाउट इक्वेटोरियल, अबाउट द माउथ ऑफ अमेजन, अबाउट क्लाइमेट, अबाउट रेन फॉरेस्ट, फाइन, अबाउट पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अबाउट लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अबाउट लेक्स एंड रिवर्स, मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, फाइन, अबाउट source of livelihood, about lakes, आप जानते हो clean lake, and the problem of eutrophication, सुपोषण की समस्या, eutrophication की issues, आप जानते हो guys, fine. चंदन, last session के last में there is a slide of contact, don't worry. Very good evening रेवाथी, सत्यम,
आशा, श्वेता, पद्मा, नंदा, साक्षी सक्सेना, वेरी गुड इवनिंग, और दीपमाला, अनुष्का, भूमि दूरिया, हृदय कोहली, विजेता मलिक, के एस फिजिक्स, रूपा पंडित, रवीना तिवारी, राधा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस. वी हैव डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ. रेणुका वाज एक्साइटेड. क्वेश्चन इज वाई? क्योंकि उनके घर में वाइल्ड फोटोग्राफर आ रहे थे. वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर. फॉरेस्ट इज प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ फ्री सर्विसेस. ऑलवेज हम एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा करते हैं, आप जानते हो. सो लिसन वेरी केयरफुली. जितनी फॉरेस्ट आपको मुफ्त की सर्विसेज दे रही है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसे आप नेचुरल कैपिटल बोलते हो, उसे आप इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हो. फाइन. सो आइए जरा इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं. सी, पीपल आर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या इनके वेशभूषा से आप नंबर वन गेस कर पा रहे हो? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कौन सा कंट्री आपको लग रही है. राइट इन कमेंट सेक्शन टू, कमेंट सेक्शन थ्री, कमेंट सेक्शन फोर, कमेंट सेक्शन फाइव. एनी गेस फ्रॉम यू गाइस, प्लीज गो फॉर योर गेस. वन को आप फैन से पहचान पा रहे हो, टू को आप ड्रेस से पहचान पा रहे हो, थ्री को भी, फोर को भी. ऑल्सो फोर के पास ये बांस की टोकरी भी है. ऑल्सो इन आवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. गाइज प्लीज गो फॉर योर आंसर. राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. आप अपने आंसर को ट्राई करें. वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में क्या होगा? आपका आंसर गलत होगा, कोई बात नहीं गाइज. You are seeing people from different part of the world. Some from the dry desert. मैं आपको हिंट दे रहा हूं. Some from the dry desert. Some from the frozen land. Some from the hot wet rainforest. आप देख रहे हो how they are. All of them are homo sapiens. सब मानव जाति के हैं, homo sapiens हैं. कितनी इनकी अपीयरेंस डिफरेंस है. इवन दो दे लुक डिफरेंट, सम ऑफ देम हैव बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. सबको चाहिए बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान. फाइन. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. पैटर्न अलग हो सकता है. रोटी का पैटर्न, फूड का पैटर्न, कपड़े का पैटर्न और शेल्टर, हाउसिंग का पैटर्न. लेकिन बेसिक नीड्स तो ये तीन सबकी होंगी. क्या गाइस आप इन बात को समझ पा रहे हो? फाइन. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सो मैं आपको समझा रहा था कि हाउ दिस पीपल फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, जो ड्राई डेजर्ट्स के होंगे उनके स्किन में मेलानिन पिगमेंट्स ज्यादा होंगी. वो मेलानिन पिगमेंट के धनी होंगे. गाइस आप जितने गोरे हो उतने आप गरीब हो. सो फार मेलानिन पिगमेंट इज कंसर्न. जितने आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो उतने आप धनी हो, रिच हो. सो फार मेलानिन पिगमेंट इज कंसर्न. हॉट ड्राई डेजर्ट्स के लोग धनी होंगे. सो फार मेलानिन पिगमेंट, उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क होगी. फ्रोजन लैंड के लोग गरीब होंगे. सो फार मेलानिन इज कंसर्न एंड देयर कॉम्प्लेक्शन विल बी फेयर. क्या होगा? फूडिंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर सबको चाहिए. डिफरेंस विल बी इन द पैटर्न ऑफ दिस. ओके. जाहिर सी बात है सबके बच्चे आपस में, जैसे याद करो क्या बचपन में आप गेम्स आपने खेला है, अपने दोस्तों से, भाई बहन से लड़ाई कभी कभार करी है, कभी कभार मेकअप किया होगा,
सम बॉयज सम गर्ल्स सम गर्ल टाइप ऑफ बॉयज डोंट बी इमोशनल सिंग डांस बट ऑब्वियस है कि नहीं. जितना आप नेचर के क्लोज हो फाइन, जितना आप नेचर की देखभाल करोगे उतना नेचर आपको रिटर्न देगा, उतना नेचर आपको रिटर्न देगा. गाइस दे लर्न हाउ टू कैच फिश इन चैप्टर 8, 9 and 10 आप पढ़ोगे लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट विथ लाइफ इन अमेजन बेसिन. हैव अ लुक सो लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल घना जंगल. क्लोज टू इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. भूमध्य रेखा के आसपास इक्वेटोरियल रीजन. रिवर अमेजन यहां से फ्लो कर रही है. फाइन फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस एटलांटिक ओशन. अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, अगर मैं अमेजन की बात करूं तो एंडीज माउंटेन रेंज में इनका सोर्स है. फाइन एंड आउटफ्लो इज नियर मकापा आइलैंड, वहां पे इसका आउटफ्लो है. नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज पुरुष जुरुआ मडिरा ऐसी इनकी सहायक नदियां हैं. एंड दिस इज रिवर हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर. मैंने आपको स्क्रीन में गाइस अगर आपको एनिमेशंस इमेजेस अच्छी लगें दिल खोल के बिग थम्स अप दिया करें. गाइस मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अमेजन. अमेजन फॉरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है. फाइन वी हैव डिस्कस इन प्लस कोर्सेस, वी हैव डिस्कस इन यूट्यूब 50 आवर्स वीडियो ऑन एनवायरमेंट वी हैव डिस्कस. सो प्लीज राइट 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट. अमेजन रेन फॉरेस्ट के 3 समस्याओं पे आप प्रकाश डालें. पुट फोकस राइट इन कमेंट सेक्शन कि क्या समस्या अमेजन रेन फॉरेस्ट की है. ओके गो फॉर इट. जहां से रिवर की ओरिजिन होती, देखो इन दिस एंडीन रीजन नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां अमेजन के मेन रिवर को ज्वाइन कर रही हैं. मडीरा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जहां से रिवर की उत्पत्ति होगी वो उसका हेड है और जहां वो खत्म होगा वो उसका माउथ है. दिस इज माउथ ऑफ रिवर. जहां से उत्पत्ति होगी दिस इज हेड ऑफ रिवर. बिल्कुल रूपा हाई वैल्यू ऑफ अमेजन की समस्या डिफॉरेस्टेशन की, माइनिंग की, ओवर एक्सप्लोटेशन की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, फायर की, ये सब समस्याएं अमेजन में चल रही हैं. फाइन न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जहां से नदी की उत्पत्ति होगी वो हेड है, जहां पे टर्मिनेट होगा वो माउथ है. न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म अमेजन बेसिन. अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, अगर मैं देशों की बात करूं, होप सो एग्जैक्टली पूजा क्या गाइस आपके पास एटलस है. डू यू हैव एटलस. एटलस में किसी भी महाद्वीप के, किसी भी कॉन्टिनेंट के, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, एक एटलस ऐसा होगा जिसपे आपको कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखेंगी, सिटीज दिखेंगे, कैपिटल दिखेंगी, आप उसे बोलते हो पॉलिटिकल मैप. दूसरे में आपको नदियां, पहाड़, झरना, झील, रीजन्स, वेजिटेशंस, पैम्पास, लिनास, कटिंगास, एंडीज, बोलिवियन प्लेटू, लेक टीटिकाका
ऐसी चीजें दिखेंगी वो है फिजिकल मैप। अगर आप साउथ अमेरिका के एक बार पॉलिटिकल मैप को देखें, देशों को देखें, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, और फिजिकल मैप में अमेजन रिवर को देखें, आप क्या देखोगे? आप देखोगे हाउ इट इज ड्रेनिंग पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज, ड्रेनिंग पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, सी इन योर एटलस एंड राइट इन कमेंट सेक्शन, कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका थ्रू विच इक्वेटर पासिस। हरी अप, कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका थ्रू विच इक्वेटर पासिस। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बी क्विक एंड फास्ट। कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका थ्रू विच इक्वेटर पासिस, आप उसे जल्दी से देखें और मुझे बताएं, कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका थ्रू विच इक्वेटर पासिस। हरी अप गाइस, हरी अप, हरी अप गाइस, फास्ट, वेरी गुड। अगर इक्वेटर की बात होगी, इक्वेडोर, वन इज इक्वेडोर, वन इज कोलंबिया, वन इज ब्राजील, ई सी बी, इक्वेटर, इक्वेडोर, इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राजील। फाइन, इक्वेटर इज पासिंग थ्रू इट, क्या आप इसे ढूंढ पाए? वेल डन गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आइए जरा इस रीजन की क्लाइमेट की बात करें, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो इक्वेटर के पास का रीजन है, सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली, कवरिंग लेस एरिया, इंटेंसिटी इज वेरी हाई, फ्रॉम एक्सपोज वाटर बॉडीज खूब होगी इवापोरेशन, और इस घने वन का हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हालात ये होंगे, कंडीशन विल बी हॉट एंड वेट, हैव लुक ऑन स्क्रीन। अमेजन बेसिन डायरेक्टली ऑन इक्वेटर, कैसी कंडीशन? हॉट एंड वेट क्लाइमेट। हॉट एंड वेट क्यों? जाहिर सी बात है, आप समझ चुके हो, सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली, कंडीशन इज हॉट, मोर इवेपोरेशन फ्रॉम फॉरेस्ट, एक्सपोज वाटर बॉडीज, तो जाहिर सी बात है कंडीशन इज वेट। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, द स्किन फील्स स्टिकी। जितना उमस भरा माहौल होगा उतनी आपकी स्वेटिंग, पसीने ठीक से बह नहीं पाती, आप बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज नहीं कर पाते और आप चिपचिपापन फील करते हो। गाइस, आप मुझे बताओ, एक हॉट और ड्राई कंडीशन है, दूसरा हॉट एंड ह्यूमिड। आपके पास गाइस दो सिचुएशन है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। ए इज हॉट एंड ड्राई, गरम और बिल्कुल शुष्क माहौल, क्लाइमेट। बी इज हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड। आप मुझे बताओ कि आपके लिए कौन से कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल होंगी, आपके पसीने, आपकी स्वेटिंग ज्यादा किस में होगी, हॉट एंड ड्राई में या हॉट एंड ह्यूमिड में? राइट इन कमेंट सेक्शन एंड गाइस लेट मी नो, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लगभग रोज यहां पे बारिश होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास तीन ऑप्शन है, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन, ए ओरोग्राफिक, पहाड़ों के कारण वर्षा का होना, साइक्लोनिक और फ्रंटल।
तीसरा कन्वेक्शनल, आपको एक चुनना है, 1 2 3 विच इज द मेन पैटर्न, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक और फ्रंटल और कन्वेक्शनल। जितनी एटमॉस्फेयर, जितना क्लाइमेट हॉट और ड्राई होगा, हॉट और ड्राई में आपके पसीने, आपकी स्वेटिंग हाई लेवल की होगी, स्वेटिंग विल बी ऑफ हाई लेवल। हॉट एंड ह्यूमिड में स्वेटिंग विल बी ऑफ लो लेवल, आप बॉडी के हीट को रिलीज नहीं कर पाओगे, आपको आपको बेचैनी, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगी। फाइन, बिल्कुल सही, वेल डन मनीषा, आशा, हृदय, ठीक गाइस, वैशाली, पूजा, बिल्कुल गाइस, कन्वेक्शन रेनफॉल। क्वेश्चन इज क्या है कन्वेक्शन रेनफॉल? सन की रेज का वर्टिकल फॉल करना। गाइस लिसन, आप में से जितने लोग नए हो, बिगिनर हो, क्लास सिक्स के सारे चैप्टर्स इसी चैनल पर मैंने करा दिया है, वेरी ऑसम वीडियोस, फाइन, हाई क्वालिटी एनिमेशंस, इमेजेस, एक्सप्लेनेशन, मोर क्लियरिटी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लेनेशन में, इन बिटवीन लाइंस में क्या छुपा है वो मैंने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया है। सी ऑल दोस वीडियोस, नंबर वन। नंबर टू, फ्रॉम टुमारो टाइमिंग इज चेंज, टाइमिंग इज फ्रॉम टुमारो 8:30 PM टू 9:30 PM। मेरे प्यारे बच्चों, डेली मंडे टू सैटरडे डोंट मिस एनी सेशन। कई बार आपको लिंक्स की जरूरत है, फॉर लिंक्स व्हाट टू डू, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल t.me/ajitlive। ठीक, सारे लिंक्स आपको इस चैनल में मिलेंगी। एंसर राइटिंग ग्रुप मैंने गाइस फॉर्म किया है, लॉट टू टेल टू यू गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट रोज झमाझम बारिश विदाउट टू मच वार्मिंग, डे टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, नाइट में टेम्परेचर तो ड्रॉप करेगा जब सन ओवरहेड नहीं होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई, सो ह्यूमिडिटी इज ऑफ हाई लेवल। आइए पॉइंट्स को समराइज करते हैं, इन बिटवीन लाइन समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब इज दो लाइन के बीच में कंसेप्ट क्या छुपा है वो आपको समझना है, वो आपको पढ़ना है। या बिल्कुल बिल्कुल साहिल, हम सारे करने वाले हैं, डोंट वरी। पूजा, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कितनी बातें यहां पे, आइए समराइज करते हैं। सन की रेज का वर्टिकल फॉल करना, सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना, लाइट पर्याप्त है, टेम्परेचर तापमान उपलब्ध है, वर्षा पर्याप्त है, रेन प्लस रेनफॉल इज सरप्लस, ये सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं। यहां पे वनस्पतियां, वेजिटेशंस विल बी ऑफ डेंस, सघन वनस्पतियां, डेंस वेजिटेशन। साहिल, हम यहां पे क्लास 6 से 12 सारी एनसीईआरटी यहां पे कवर करने वाले हैं, बिल्कुल, वो भी ऑसम टॉप क्वालिटी। Have a look on screen. क्या समझ में आ रहा है? Amazing rain forest, sun की rays vertical, high temperature, optimum temperature, suitable climatic condition, dense vegetation. बिल्कुल घने वन, रोज बारिश हो रही है, आप इसे rain forest बोल रहे हो। जितने बिगिनर्स हैं, डोंट मिस एनी सेशन।
मेरी क्लास करने के बाद आप एनसीईआरटी गाइस जरूर परचेज करें हार्ड कॉपी, फाइन। और क्लास करने के बाद आप फटाफट जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको जो दो लाइन के बीच में बातें छुपी हैं वो समझ में आएगी। मेरी क्लास करने के लिए पहले से एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आना है, क्लास करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट विल हैपन, जो चैप्टर को पढ़ने में आपको दो घंटे लग रहे हैं, मेरी क्लास के बाद इट विल टेक हार्डली 15 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि जो एनिमेशंस, इमेजेस, एक्सप्लेनेशन में दूंगा वो किताब में नहीं है। यही होता है क्लास करने का लॉजिक। अगर मैं वही लाइंस को पढ़ूं, अंडरलाइन करूं, लाइक नंबर ऑफ वीडियोस इन अवेलेबल, फाइन, ऑनलाइन कोई फायदा नहीं है। इस बात को समझें, यू गाइस आर स्मार्ट, हैव अ लुक ऑन दिस। रेनफॉल हैवी हो रहा है, फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, फॉरेस्ट बिल्कुल घना है, ठीक, पत्तियों से छत बनी है, सन किरेज मैक्सिमम ऊपरी ही ट्रीज के द्वारा ट्रैप हो जा रही है। इवन इफ लाइट इज वर्टिकल, भले सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, यू गाइस नो दैट सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत फॉल करती हैं, ठीक। सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वर्टिकल फॉल करेंगी, लेस एरिया स्ट्राइक करेंगी, फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों दिस लाइट विल नॉट रीच अप टू ग्राउंड। ग्राउंड कैसा, डार्क एंड डैम्प, नमी होगी, अंधेरा होगा, उस अंधेरे में सिर्फ वही घास उग पाएंगी, वही वनस्पतियां उग पाएंगी, ठीक, दैट आर शेड टॉलरेंट वेजिटेशन। कैसे, ऑर्किड्स, ब्रोमिलिएट्स, कुछ लताएं ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक, रिच इन फौना, फ्लोरा वनस्पतियां, फौना एनिमल्स, दोनों के दोनों ये बहुत ज्यादा ही उपलब्ध होंगी, बड़े खूबसूरत नज़ारे होंगे, आपके दिल के बड़े करीब होंगे, बड़े प्यारे प्यारे होंगे। गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि कितने प्यारे प्यारे होंगे, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं, गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। फ्रॉम टुमारो 8:30 डेली, सी यू गाइज फॉर ऑसम सेशन। बिल्कुल झमाझम करने वाले गाइस, अल्टीमेट झमाझम। ऐसे घने वन में अगर आपको सेशंस अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एंड गाइस लेट्स क्रैक इट, लेट्स मेक इट वायरल। बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ब्रिलियंट कलर, खूबसूरत पक्षियां, अलग अलग टाइप के उनके चोंच, कई तरह के बर्ड्स, कई तरह के वृक्ष निवासी आर्बोरियल्स लिविंग ऑन ट्रीज, जो पेड़ों पर रहेंगी। जैसे फॉरेस्ट में नीचे से ऊपर जाओगे, हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों, बहुत से जंतु, बहुत से जानवर, नंबर ऑफ एनिमल्स आर आर्बोरियल्स, वृक्ष निवासी, लिविंग ऑन ट्रीज, कई तरह के बंदर, कई तरह के पक्षी, कई तरह के लंगूर, स्पाइडर मंकी, जेंटल मंकी, कलाबाजिया करता हुआ, अजीब अजीब टाइप के वनस्पतियां, डेंस वेजिटेशन और विभिन्न प्रकार के हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो फार फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न। मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, अ बर्ड, कोकन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ब्रिलियंटिक कलर प्लूमेज, ओवर साइज बिल,
कितनी बड़ी आपको इसकी दिस इज कॉल्ड एज बिल दिख रही है आपको फॉर ईटिंग, ये बाकी जो हमारे इंडिया के पक्षियों से इनको अलग करता है। ये पक्षी जोर जोर से आवाज भी निकालती हैं इन द फॉरेस्ट। गाइस, एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लॉथ एंट ईटिंग टापिर्स, ये आपको टापिर दिख रहा है, आर फाउंड। कई तरह के सरीसृप वर्ग के जीव, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, दे आर ऑल्सो फाउंड। एनाकोंडा, आपने एक मूवी भी देखी एनाकोंडा, याद करो, बोवा कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज, थाउजेंड स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। कई ऐसी मछलियां जो फ्लैश ईटिंग हो, मछलियां खाती हो, पिरन्हास फिशेस आर फाउंड इन द रिवर। फाइन, बेसिन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ, हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसी मछली जो मछलियों को खाए, पीसी वोरस फिशेस, वो मछली जो मछली खाए, बड़ी मछलियां, पिरान्हा फिश आर फाउंड इन रिवर्स, हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उच्चतम क्वालिटी ऑफ जैव विविधता, हाई वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, अत्यधिक स्थिरता के माहौल इज फाउंड इन दिस बायोम। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जरा लोगों के बारे में बात करें, कैसा है इनका घर। पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज, ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड। पहली समस्या, क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट, डीफॉरेस्टेशन का, निर्वनीकरण का, कटिंग ऑफ ट्रीज का एक कारण, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कल्टीवेशन, फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉर स्लैश बर्न कल्टीवेशन, फॉर झूम खेती। दूसरा, वाइल मेन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वीमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में भी, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में भी वीमेन्स आर डोमिनेटिंग। राइट, वीमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स, क्या ग्रो कर रही हैं, टैपियोका, पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो। यहां की खेती, ऐसी खेती जहां पे आप जंगलों में आग लगाते हो, जंगल को जलाते हो, फॉरेस्ट फायर करते हो, जंगल के जलने के बाद वहां पे आप खेती करते हो, एक फसल, दो फसल, और फिर जब वहां पे सॉयल की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आप शिफ्ट करते हो बगल में, उसे बोलते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कैसी खेती, स्लैश एंड बर्न, BURN, बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में झूम खेती बोलते हो आप, झमाझम झूमते हुए आपने गाइस खेती करी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए और समझते हैं। मेनियोक, नोन एज कसावा, अंडरग्राउंड ग्रो कर लाइक पोटैटो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारो, लल्लो, राज दुलारो, आप मुझे बताओ, आलू जो खाते हो आप, पोटैटो में क्या खाते हो आप, ए रूट, बी स्टेम। ये पोटैटो जो पेरू का मूल निवासी है, इसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका के पेरू से हुई और कैसे भारत के घर घर में घुस घुस गया है। क्या खाते हो आलू में आप, ए रूट, बी स्टेम। ये और खाते हैं क्वीन एंड, चीटियां खाते हैं, एग सैक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोवा आर ऑल्सो ग्रोन।
मेरे प्यारे बच्चों, इन पोटैटो आलू में आप क्या खाते हो? देखो यही सब होता है बियॉन्ड एनसीईआरटी, यही आपके स्टेट पीसीएस में, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, असम पीसीएस, पंजाब पीसीएस, जम्मू कश्मीर, ऑल दिस, वेस्ट बंगाल, केरला, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क इन पोटैटो एडिबल पार्ट इज, और पहला ऑप्शन देंगे ए। और जिन्होंने आलू की खेती देखी है, जमीन में आलू को उगते हुए देखा है, झमाझम दे विल गो फॉर ए, और उनका हो जाएगा डैश एंड डैश। आशा, राहुल, वैशाली, साहिल, विजेता, राइट आंसर इज स्टेम। इन पोटैटो एडेबल पार्ट इज स्टेम, आप स्टेम खाते हो। इस स्टेम का नाम है ट्यूबर, इसे आप ट्यूबर बोलते हो। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में आप रूट खाते हो, रूट इज एडेबल इन स्वीट पोटैटो। है न प्यार भरी बात, स्वीट सी बात, जो आपने स्वीट रूट कहा वो स्वीट पोटैटो है। इन पोटैटो एडेबल पार्ट इज स्टेम कॉल्ड एज ट्यूबर, न कि रूट। यही गलतियां आपको नहीं करनी है। पुर्तगाली आए, पोर्टुगीज आए, और दक्षिणी अमेरिका में, ब्राजील में, साउथ अमेरिका में कॉफी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, तो कैश क्रॉप्स कॉफी, मेज एंड कोकोवा आर आल्सो ग्रोन। एक सवाल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, एक टर्म है आपके लिए, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, मलूका, एम ए एल ओ सी ए। गेस करो व्हाट इज मलूका। ए, मलूका कोई ट्राइब है, मलूका कोई इनका खाने का भोजन है, ठीक। मलूका आखिर है क्या, व्हाट इज मलूका? माय डियर स्टूडेंट्स, मलूका, व्हाट इज मलूका, राइट इन कमेंट सेक्शन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लॉट ऑफ वुड फॉर हाउसेस, सम फैमिलीज लिव इन द थेस्ट हाउस शेप्स लाइक बीहाइव्स, देयर आर अदर इन लार्ज कंपार्टमेंट लाइक हाउस, उसे आप मलूका बोलते हो, विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, इसे आप मलूका बोलते हो। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अमेजन, अब इनका भी समय बदल रहा है, इनका भी लाइफ का पैटर्न बदल रहा है, तो मलूका इनका लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस है विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। ओल्डर डेज में लोग नदियों के थ्रू फॉरेस्ट के अंदर जाते थे, अब माय डियर फ्रेंड्स बन चुका है ट्रांस अमेजन हाईवे। ट्रांस अमेजन हाईवे जो ब्राजील के दो छोरों को जोड़ता है, जितने लोग प्लस कोर्स पे हैं, जितने लोग प्लस कोर्स पे हैं गाइस, राइट इन कमेंट सेक्शन। मैंने आपको प्लस में कंप्लीट कोर्स इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में खूब अच्छे से बताया है। ट्रांस अमेजन हाईवे ब्राजील के डैश को डैश से जोड़ता है, ब्राजील के डैश को डैश से जोड़ता है, किसे जोड़ता है गाइस? गो फॉर योर आंसर। ब्राजील के ट्रांस अमेजन हाईवे किनको जोड़ रहा है? एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर प्रेजेंट, फाइन। अब लोग क्या हो चुका है, अब एक अलग अलग तरीके की फार्मिंग का पैटर्न भी यहां पे अब ग्रो कर रहा है, समय बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, हाई रेट ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन, माइनिंग एक्टिविटी का होना, ओवर एक्सप्लोटेशन का होना, क्या हो रहा है, हाई रेट से, अलार्मिंग रेट से अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट डिसअपीयर हो रहे हैं। जब फॉरेस्ट कटेगा तो सॉइल की अपर टॉप लेयर, फर्टाइल लेयर की हाई लेवल ऑफ इरोजन होगी। वेल डन हृदय, आशा एंड विजेता, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। सो बट ऑब्वियस, जब फॉरेस्ट क्लियर होगा तो हाई लेवल ऑफ
सॉयल इरोजन होगी, सॉयल की फर्टिलिटी लॉस्ट होगी। सी, पहले हालात ये थे, अब हालात ये हो गए, हाई रेट ऑफ सॉयल इरोजन, मृदा की अपरदन दर बढ़ जाएगी। आइए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या आप गंगा की ट्रिब्यूटरीज को अपने एटलस में, आपका होमवर्क है गाइस, कल मैं आपसे पूछूंगा, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ठीक, लोहित, तिराप, सुबानसिरी, इन सबको आप एटलस में गाइस देखना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, लोहित, तिराप, सुबानसिरी, सियांग, सिक्यांग, इस तरह के नामों को आप अपने एटलस में ढूंढना। मैं आपसे कल गाइस बात करने वाला हूं, हैव अ लुक ऑफ ब्रह्मपुत्र। एक बार मैंने गाइस 1992 में डिब्रूगढ़ से मैंने ब्रह्मपुत्र को पार किया था, दैट टुक अराउंड 7 to 8 hours, 7 to 8 hours मुझे लगे थे अरुणाचल के बाउंड्री में जाने के लिए, गंगा, इट इज केस ऑफ 1992, तब चीजें इतनी विकसित नहीं थी, ठीक, आप नन्हे मुन्ने रहे होंगे। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि आप सुबानसिरी को ढूंढो, लोहित को ढूंढो, इसे आप सियांग बोल रहे हो, ठीक, और गंगा की ट्रिब्यूटरी कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, यमुना की, यमुना को, बेतवा, चंबल, बनास, सोन, इनको आप गाइस केयरफुली अपने एटलस में, अपने मैप में इसे ऑब्जर्व करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सुंदरबन डेल्टा की आपसे मैं बात करूं। द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, माउंटेन एंड फुट हिल ऑफ हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। द ग्रेट प्लेन, खास बात, फुट हिल ऑफ हिमालय, खास बात, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, खास बात, गोखूर झील, ऑक्स बो लेक इज सैलियंट फीचर ऑफ दिस रीजन। कैसी क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मिड जून से सितंबर तक झमाझम बारिश, समर कैसी हॉट, विंटर्स कैसी, विंटर्स विल बी कूल इन द रीजन, विंटर्स विल बी कूल इन द रीजन। आपको इंडिया के मैप को देखना गाइस, दिस इज योर होमवर्क, कल मैं आपसे पूछूंगा, आप उन राज्यों के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के, अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो एटलस देख के लिखना आप, इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक, ये आपका गाइस असाइनमेंट है। जितनी प्लेन टेरेन होगी, सोयल एलुवियल फर्टाइल होगा, वाटर, लोग ज्यादा बसेंगे, घनी बस्तियां होंगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां पे हाई होगा, सोयल फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन द लोकेलिटी, डेंसिटी इज वेरी हाई, मेन क्रॉप इज पैडिंग, पैडी को, धान को प्रॉपर वाटर चाहिए, सो ये उन क्षेत्रों में ग्रो करेगा वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। गाइस, क्या आपने कभी धान का खेत देखा है, यस और नो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या आप कभी खेतों में धान बोते हुए आपने देखा है, यस और नो लेट मी नो, राइट इन कमेंट सेक्शन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। पैडी कल्टीवेशन, वीट, मेड, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, कैश क्रॉप, सुगर केन एंड जूट आर ग्रोन, बनाना प्लांटेशंस आर ऑल्सो ग्रोन, वेस्ट बंगाल और असम में टी इज ग्रोन, सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्क के कल्टिवेशन को आप क्या बोलोगे, ए सिल्वी कल्चर, बी सेरी कल्चर,
सिल्वी कल्चर और सेरी कल्चर, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, कल्टिवेशन ऑफ सिल्क इज ए सिल्वी कल्चर, बी सेरी कल्चर। बट ऑब्वियस माउंटेन्स में एंड हिल्स में स्लोप जहां पे जेंटल होंगी, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, ये आपको चाय बगान बगान असम का दिख रहा है। लैंड फॉर्म्स कई तरह की होंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन में जो फॉरेस्ट होगा, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडस ट्री, टीक साल पीपल, बैम्बू ग्रुप्स आर वेरी कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, बैम्बू ग्रुप्स आर वेरी कॉमन। अगर डेल्टा की बात करें तो वहां पे मैंग्रोव वनस्पतियां मिलेंगी। यूट्यूब पे मैंने आपको खूब अच्छे से मैंग्रोव बताया है। पार्ट ऑफ उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन डिदार एंड फीर आर प्रेजेंट, क्यों? यहाँ पे क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप, कुछ टेम्परेट टाइप कंडीशंस आपको दिख रही हैं, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड, फाइन। बिल्कुल, सेरी कल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ सिल्क, सिल्वी कल्चर इज फॉरेस्ट्री। सिल्वी कल्चर क्या है? सिल्वी कल्चर मीन्स फॉरेस्ट्री, इज फॉरेस्ट्री। बिल्कुल आप लोगों ने गाइस सही बताया, अ बिग थम्स अप टू यू गाइस। वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मंकीज आर वेरी कॉमन, वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, डेल्टा एरिया में सुंदर वन इज वेरी फेमस फॉर बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, दे आर वेरी फाउंड, वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर। गैंजेटिक डॉल्फिन, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, फ्रेश रिवर वाटर्स, लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल सी की बात आपसे गाइस हो रही थी। मछलियों में ये आपको वन हॉर्न राइनो दिख रहा है, क्रोकोडाइल दिख रहा है, रोहू, कटला, हिलसा, दे आर प्रेजेंट। मोची भात बंगाल में वेरी फेमस, फिश एंड राइस इज स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया, आप जानते हो कई बार लोगों के जीवन का स्रोत इज लेक। लेक से क्या क्या आपको मिलेगा? लेक्स कैन बी मैन मेड, लेक्स कैन बी नेचुरल, है ना? राइट इन कमेंट सेक्शन, लेक्स कैसे सोर्स ऑफ लिवलीहुड बनेगी, फाइन। सो गाइस, ये सारी बातें आपको समझनी थी। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक, आर्टिफिशियल, मैन मेड दैट इज नेचुरल, फ्रेश वाटर, सेलाइन। मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्या क्या आपको लेक से मिल सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो बफेलो इज यूज्ड टू प्लाउ द लैंड, मछलियों को नदियों से लोग पकड़ रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, आप इसे समझ सकते हो, फाइन। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात आपसे हो रही थी। सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज आर प्रेजेंट ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गाइस, फोर सिटीज गंगा के बैंक की, टू सिटीज ब्रह्मपुत्र के बैंक की, राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ टू सिटीज ऑन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, फोर ऑन बैंक ऑफ गंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा, ठीक, कि रिवर गंगा के बैंक पे कौन कौन सी फेमस सिटीज हैं। मैं कोई हिंट आपको नहीं दूंगा प्रयागराज, इलाहाबाद के बारे में, कानपुर के बारे में, वाराणसी के, काशी के बारे में, गोमती के किनारे लखनऊ के बारे में, पटना के बारे में, कोलकाता के बारे में, मैं आपसे बिल्कुल कोई हिंट आपको नहीं दूंगा। कैसे लोगों ने रिवर की पोल्यूशन के केस को जबरदस्त खराब कर दिया है, ठीक, हाई रेट ऑफ पोल्यूशन। हैव अ लुक वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा, इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, all these are very effective, all the four ways of transport are developed,
रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज बहुत काम करने की गवर्नमेंट को जरूरत है। कोलकाता इज इंपॉर्टेंट पोर्ट गाइस, मैप में आप कोलकाता को लोकेट करें एंड नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स वी आर हैविंग इन द रीजन। टूरिज्म, ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, संगम एट प्रयागराज, बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश, सारनाथ बिहार, बोध गया गया, लखनऊ इमामबाड़ा, काजीरंगा मानस इन असम एंड नंबर ऑफ बुद्धिस्ट साइट इन अरुणाचल प्रदेश। ट्राइबल कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेरी ब्यूटीफुल टू ऑब्जर्व, आपको मौका मिले सिलेक्शन के बाद तो गाइस अपने डैश एंड डैश के साथ जरूर जाना। डैश एंड डैश माता और पिता, भाई और बहन, दोस्त और मित्र, जो भी। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो गाइस दैट वाज अबाउट ऑसम सेशन। अगर आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दें गाइस, और अभी तक अगर मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो गाइस, आप अपना नाम, क्या नाम है आपका, किस राज्य से हो आप, और क्या आप प्लस कोर्स पे हो या आप यूट्यूब पे हो, आप मुझे भेजें, आई विल एड यू इन माई ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, डू इट नाउ, लिंक इज t.me/ajitlife, अजीत तिवारी सर @ जनरल स्टडीज। गाइस फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूं, YouTube आपको एक बेस देगी, सिलेक्शन आपका प्लस कोर्स से होगा क्योंकि 90 प्लस टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल। फॉलो मी ऑन ट्विटर, फॉलो मी ऑन फेसबुक। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो एट 8:30। कल इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे 8:30 बजे। टेक 1 आवर ब्रेक, 9:30 पे गाइज आपसे मिलते हैं। सी यू ऑल एट 9:30 PM ऑन लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल। अनअकैडमी के दूसरे YouTube चैनल पे 9:30 PM पे गाइज आपसे मिलता हूँ विथ वेरी ऑसम एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। लेट्स क्रैक इट, लेट्स मेक इट वायरल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे इस चैनल पे 8:30 पे गाइज, और अभी मिलेंगे लेट्स क्रैक UPSC CSE पे